खेल रही है, तू अच्छे से नहीं खेल रही है। अच्छा मैं अच्छे से नहीं खेल रही, ये ले। दीदी दीदी क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ? मैं आपको हर रोज देखती हूँ, आप लोग खेलते हो। हाँ? आप मेरे साथ दोस्ती करो ना। अरे जा यहाँ से, वैसे भी हमारी मम्मी कहती है गरीबों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। गलती से इससे दोस्ती करते हैं ताकि हमारा फायदा उठा सके। वही ना, गरीब हमसे दोस्ती करनी चली जा। फिर जैसे कोई गरीब बच्ची पर होंगे उसके साथ दोस्ती कर, हमारे साथ क्या दोस्ती कर रही है? दीदी मैं तो बस कुछ नहीं सुन रहा हूँ, जा यहाँ से। चल बैडमिंटन खेलते हैं। मम्मी आपको पता है आज हम नीचे खेल रहे थे ना बैडमिंटन, तो तब हमें ना कोई गरीब सी लड़की मिली, वो हमसे दोस्ती करना चाहती थी और बैडमिंटन खेलना चाहती थी हमारे साथ। तो तुम लोगों ने क्या किया? हमने उसे नहीं खिलाया क्योंकि आप ही तो कहते हो किसी गरीब व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा किया बेटा, ऐसे भी इन लोगों से दूर ही रहना अच्छा। अरे बेटा तू यहाँ क्यों बैठी है? बेटा ये देख, मालकिन ने तेरे लिए क्या दिया है, केक, ये ले खा ले। मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? पूछ लो बेटा। जहाँ पे आप काम करते हो क्या वहाँ भी लोग गरीबों की इज्जत नहीं करते? क्या वहाँ भी लोग यही सोचते हैं कि हम गरीब सिर्फ अमीर के लिए इसलिए दोस्ती करते हैं जिससे हम उनका फायदा उठा सके? तो ऐसा क्यों बोल रही है बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ माँ हुआ ये थी। गरीब हमसे दोस्ती करनी चली जा। फिर जैसे कोई गरीब बच्ची पर होंगे उसके साथ दोस्ती कर, हमारे साथ क्या दोस्ती कर रही है? मम्मा ऐसे सब लोग हमारे बारे में क्यों सोचते हैं? नहीं जानती बेटा, सब लोग ऐसे नहीं होते। बट तू ये सब छोड़, हम लोग की जिंदगी ही ऐसी है बेटा, सबकी सुननी पड़ती है। मम्मा क्या हम लोग कभी भी हमें समझेंगे? नहीं पता बेटा, बट हमेशा हमें सच्चाई के साथ जीना होगा। हम भले ही गरीब हैं लेकिन जरूरत पड़ने पे हमें लोगों की मदद करना है। हाँ मैं हमेशा सबकी मदद करूँगी। चल छोड़ घर चलो। ठीक है मम्मा। हमेशा नीचे खेलने आते हैं, लगता है वो भूल गई हैं। उसको संभाल के रख लेती हूँ, नहीं तो कोई चुरा लेगा। एक काम करती हूँ, उनके घर ही दे आती। अरे ये तो हमारा बैडमिंटन है, चोर कहेगी। वही इतने देर से तो इसलिए तो हमें हाँ। देख रही थी तो चोरी करनी थी इसलिए। अरे नहीं दीदी मैं तो आपके... सच कहती है, बहुत बुरी है। हाँ तो गरीब भी है और चोर भी है, चोर कहेगी। अरे दीदी लेकिन मैं तो इसको आपके पास ही ला रही थी। तो चल बोलती है, चल चलते हम लोग। अब आगे उन लोगों ने मुझे कितना बुरा समझा, उन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। अरे तो उन्हीं दीदी का फोन है जिनने मुझे अभी डांटा था। मैं नहीं देने जाऊंगी वापस, नहीं तो मुझे वापस डांटेंगे। हम भले ही गरीब हैं लेकिन जरूरत पड़ने पे हमें लोगों की मदद करना है। हाँ मैं हमेशा सबकी मदद करूंगी। मैंने मम्मा से वादा किया था कि मुझे हमेशा सबकी मदद करनी होगी। चलो उनके घर जाकर ही दे देती हूँ। दोनों सच सच बताओ, फोन कहाँ है? तुम्हें पता है ना कितना महंगा फोन था? अगर पापा को पता चला तो तुम लोग को बहुत डांट पड़ने वाली है। Oh, no. लगता है जैसे खेल रहे थे वो पार्क में छूट गया होगा। हाँ और फोन ऑफ भी आ रहा है।
आएगा ही, चार्ज भी तो नहीं था। मैंने मना किया था ना कि फोन मत लेके जाओ। अभी लगता है तुम लोगों का 2 दिन के लिए खाना पीना बंद करना होगा। अच्छा हुआ बेटा तुम लेके आई, थैंक यू। मैं बहुत परेशान थी। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अंदर आओ, चलो अंदर। अरे तुम, ये तो वही लड़की जो आज हमारा बैडमिंटन चुरा रही थी। हाँ नहीं दीदी, मैंने आपका बैडमिंटन लौटाने वाली थी, लेकिन आप मुझे गलत समझे। ये तुम्हारा फोन लेके आई है जो तुम नीचे छोड़ के आई थी। सॉरी हमने तुम्हें गलत समझा, प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ सॉरी रितु, हमें लगा तुम्हारी दोस्ती हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। और हाँ बेटा, ये सब मेरी वजह से है। कुछ लोगों की वजह से हम मान लेते हैं कि सारे लोग गलत हैं, बट ये भूल जाते हैं कि हर गरीब गलत नहीं होता। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा, आज से तुम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम क्या बोलती हो, हमसे दोस्ती करोगी? एक शर्त पे। हाँ? शर्त? अरे ये शर्त है कि आपको मेरे साथ बैडमिंटन खेलना होगा।